हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी ऑल्सो। और गाइज, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। और मुझे आज बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है गाइज, सर्दी से मेरा सर दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने ये कपड़ा बांधा हुआ है। सो गाइज, मैं सुबह सुबह कर रही हूँ पोहे की प्रिपरेशन। तो देखिए, हमारे गाँव से कच्ची मूँगफलियाँ आई थी गाइज, तो इनको छीलने में लगी हुई हूँ मैं। एक्चुअली मेरा तो आज फास्ट है मंडे का, तो मैंने कहा थोड़ा सा इन लोगों के लिए बना देती हूँ पोहा। सो गाइज, ये कच्ची मूँगफलियाँ देख लीजिए आप, इनमें मिट्टी भी लगी हुई है, इतनी कच्ची हैं ये, मतलब एकदम उखड़ी हुई मूँगफलियाँ हैं ये। सो गाइज, फटाफट से पोहा बनाते हैं। और आज से बच्चे भी आएंगे, बिकॉज 2 डेज हमने इन्जॉय कर लिया। सो आज लगते हैं फिर सुबह अपनी एज यूजल अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे कि हम एज यूजल 5 डेज करते हैं। और गाइस, कल का जो रेसिपी थी इतनी ऑसम रेसिपी थी, सीरियसली गाइस, आई लाइक्ड इट एंड आई लव्ड इट मोस्ट। सो डेफिनेटली यू विल ट्राई इट योर होम। और गाइस, बहुत बढ़िया मज़ा आया कल रेसिपी है जो ट्राई की थी, तो उसने वर्क किया, मतलब टेस्ट अच्छा था। अगर हम कोई नई चीज़ यूज़ कह रही हूँ मैं, ट्राई करते हैं तो वो अच्छी बनती है तो बड़ी खुशी होती है, और अगर बेकार बनती है तो बड़ी गुस्सा आती है कि इतनी मेहनत भी की हमने और रेसिपी भी नहीं अच्छी बनी। और ये जो लड़का पीछे दिख रहा है गाइज, ये इतना बिगड़ा लड़का है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत बिगड़ा है ये। कल से इसकी गन आ गई है, तो ये हो गया है पागल गन में। हेलो कर दो सबको। हेलो हेलो गाइज, बोलो। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे आप सब लोग? लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओ माय गॉड, मार मत दियो, मार मत दियो, मार मत देना जोर से। अच्छा ठीक है। और गाइस, शाम के बज गए हैं 6:30 और मैं हूँ बाहर अपनी बैल्कनी में, तो आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ बाहर, लेकिन मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है सुबह सुबह। एक्चुअली मॉर्निंग में गाइस मुझे बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैंने अभी कपड़े धो दिए हैं। तो गाइस, मैंने कपड़े धो के डाल दिए हैं अभी, तो जब सोते टाइम मैं उठा लूँगी 11:30 तक ये, तो अंदर डाल लूँगी। सो गाइस, सुबह सुबह का काम ये निपट गया, क्योंकि मॉर्निंग में गाइस इतनी ठंडी हवा लगती है ना, अभी तो फिर भी इतनी ठंडी हवा नहीं लग रही है, तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लगती है। तो गाइस, मशीन मेरी हो गई है और मशीन का एक ढक्कन भी टूट गया मेरा, ये देखो। एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, ये जो फ्लोर है ना, इधर ऊपर वाला जो है, यहाँ से 2 बिल्ली रहती हैं, यहाँ से कूद के वो यहाँ पर कूदती हैं, और फिर उन्होंने ये मेरा ढक्कन तोड़ा है बिल्लियों ने, देखो। और ये हमारे मद्रासी अंकल का घर है, अंकल आजकल बाहर गए हुए हैं। एक्चुअली गाइस क्या है ना कि अंकल जी जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, तो उनको ना मतलब उन्हें सूट नहीं करता ना ज़्यादा गर्मियाँ और ना ज़्यादा सर्दियाँ, तो इसी वजह से अंकल जी चले जाते हैं कहाँ पर, केरला। केरला चले गए अंकल, गाइस केरला चले जाते हैं अंकल। तो उनका क्या है ना कि मतलब बैलेंस हो जाता है, कार्तिक लगना नहीं चाहिए किसी को, सो उनको बैलेंस हो जाता है। जब यहाँ सर्दी होती है तो वहाँ पर गर्मी होती है, जब यहाँ गर्मी होती है तो वहाँ पर नॉर्मल मौसम होता है, मतलब ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। और गाइस, घर का काम तो पूछो मत, ट्यूशन के बच्चे गए हैं तभी से मैं लगी पड़ी हूँ घर के काम में। और गाइस, आज जो है थोड़ा सा जो है टाइम मुझे घर के काम के लिए इसलिए मिल गया था क्योंकि ट्यूशन के जो आज क्लास थी वो 1 आवर की थी, अगर 1.5 आवर की होती है तो थोड़ा सा मुझे टाइम कम मिल पाता है, क्योंकि 5:30 तक फिर वो बच्चे खींच ही जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। अरे, और गाइस मैं बिछा रही हूँ अब दरी। सो गाइस, देख लीजिए क्या बन रहा है आज हमारे घर में। आज हमारे घर में बहुत यूनिक सी सब्जी बन रही है, जो कि है क्या बोलते हैं इसको, कमल ककड़ी। सो कमल ककड़ी जो है मैंने काट लिया गाइस, अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले उनको पसंद नहीं थी बट अब बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ओए क्योंकि 2-3 बार से जो है मार दूंगी काटे, 2-3 बार से मैंने बनाई तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। साथ के साथ बन रही है आलू की जो है बढ़िया भंडारे वाली सब्जी, क्योंकि आज है मेरा फास्ट, और थोड़ी सी खीर बना रही हूँ महादेव को भोग लगाने के लिए। सो गाइस, बस यही रूटीन है हमारा, आप देख लीजिए बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। और गाइस, अभी आपको बाहर का व्लॉग इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि गाइज मेरे देखो बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो मैं इतनी ठंड में इनको बाहर लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि गाइज इन लोगों को विंटर सूट नहीं करती है, इनको कफ एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ता है। सो गाइज, इनफैक्ट मुझे इतना इस बार बुरा लगा कि मैं अपनी मम्मी के घर तक नहीं गई हूँ ठंड की वजह से,
क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा तगड़ी पड़ रही है। तो मम्मी ने बोला आ जा, तो मैंने कहा मम्मी मैं ठंड में नहीं आ रही हूँ, क्योंकि ठंड में मैं जाऊंगी क्या फायदा, इतना सारा सामान लेके, बोरिया बिस्तर पैक करके, सारा बोरिया बिस्तर इन द सेंस के बहुत ज्यादा कपड़े है ना। बाकी मम्मी तो मेरे लिए वहां पे गद्दे रजाई सब अलग रखती है, मेरे को किस मतलब मैं किसी और की गद्दे रजाई कभी यूज ही नहीं करती, अलग मम्मी मेरे लिए रखती है सब कुछ सेपरेट। जब मैं जाती हूँ तो फटाफट से मेरे रजाई कम्बल गद्दे सब नए नए निकल जाते हैं। तो गाइस मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे फैमिली वाले, लेकिन मैं क्या करूँ, घर भी तो अपना संभालना है ना, बच्चे भी देखने हैं। सो मैंने कहा मम्मी अगर मैं अभी आती हूँ तो मैं घूमने नहीं जा पाऊंगी कहीं आपके साथ, तो कोई फायदा नहीं है, घर में ही रहेंगे बच्चे घुस के तो क्या फायदा भाई, नानी के घर गए तो क्या गए जब हमने कहीं घूमा ही नहीं नाना नानी के साथ, है ना गाइस। तो अब मैं जाऊंगी, थोड़ा सा ये मौसम ठीक हो जाए उसके बाद मैं 4-5 दिन के लिए जाऊंगी, तो मैं फिर घूमूंगी, आपको सारा व्लॉग दूंगी वहां का। और गाइस एक चीज और मैं बताऊं, जो ये छतरपुर वाले गुरुजी है ना, जो काफी लोग उन्हें मानते हैं, शायद डुगरी वाले बोलते हैं उनको गुरुजी, तो वहां वहां मम्मी ने बोला हुआ है, मम्मी भी बहुत उनमें फेथ रखती हैं, तो मम्मी ने बोला हुआ है कि मैं बच्चों को लेके एक बार जाऊंगी वहां तेरे साथ। एक बार तो मम्मी मुझे घुमा कर ले आई, अब एक बार और जाने का है इच्छा। तो मैंने इसीलिए बोला, मैंने कहा मम्मी अगर मैं सर्दी में आऊंगी तो हम लोग नहीं जा पाएंगे बच्चों को लेके, क्योंकि देखो अपना व्हीकल्स तो हमारे पास है नहीं कि भाई अपनी कार हो तो बैठो और चले जाओ, है ना। हाँ चलेंगे चलेंगे, तो ऑटो में या फिर हम बाय मेट्रो ही जा सकते हैं, या फिर बस, बस तो मैं बस में कम ही सफर करती हूँ गाइस, क्योंकि बस में सफर करना मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मुझे बसेस के बारे में ज्यादा पता नहीं है। मेरी मम्मी को तो खैर सब पता है, हस्बैंड को भी सब पता है, लेकिन मुझे नहीं पता, और ये जाने भी नहीं देते, ये बोलते हैं रहने दे तू, इससे अच्छा उसमें चली जा, ऑटो में चली जा आराम से। सो गाइस बस यही है, तो अब थोड़ा सा मौसम ठीक होगा तब चलेंगे मम्मी के यहाँ घूमने, वहाँ के सारे ब्लॉग्स देंगे अच्छे अच्छे। और अब चलते हैं खाना बनाने, पूजा का टाइम हो रहा है, कपड़े धुल गए हैं, धुले कपड़े सूख गए हैं, उनको तय लगाना है, अब डिनर बना लेते हैं, डिनर बना के करेंगे पूजा, उसके बाद करेंगे थोड़ी सी मस्ती, ठीक है गाइस। सो गाइस आज महादेव का प्रसाद बन रहा है, देख लीजिए। उसके लिए खीर बनाई है मैंने, क्योंकि आज मेरा व्रत है। गाइस बहुत ढेर खीर नहीं बनाई मैंने, मैंने कहा कि थोड़ी थोड़ी अभी खा लेंगे, क्योंकि फिर वो रखी रहती है तो ठंडी फिर खाई नहीं जाती आजकल सर्दियों में, गर्मियों में तो ठंडी खीर ही अच्छी लगती है। सो गाइस मैंने खीर बना ली है, और यहाँ पर गाइस मैं मसाला भून रही हूँ आलू की सब्ज़ी के लिए, जो भंडारे वाली होती है, तो उसके लिए गाइस मैं मसाला भून रही हूँ, देख लीजिए आप, तो बढ़िया सा अब देख लीजिए कलर आ गया है इसमें सब्ज़ी में। गाइस एक टिप जो है, मेन जो होती है खाना बनाने में, वो होती है टमाटरों का और लहसुन प्याज का कच्चा ना रहना। खैर ये तो विदाउट लहसुन प्याज की है, क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो मैंने लहसुन प्याज नहीं इसमें डाला है। तो गाइस टमाटरों को आप अच्छे से भुनेंगे ना, या किसी भी मसाले को, तभी वो स्वाद देगा सब्जी में, अदरवाइज वो स्वाद नहीं देगा, है ना गाइस। क्योंकि जो मसाला है वो भुनने में, भून कर ही अच्छा स्वाद देता है गाइस। तो गाइस बस यहाँ पे बन रहे हैं बढ़िया से आलू की सब्ज़ी, और उसके साथ पूरियाँ बना लूँगी मैं। तो गाइस बस आलू सबसे बेस्ट है, किसी भी टाइम बना लो, किसी भी टाइम खा लो। गाइस आ जाए हैं रागनी दीदी और ताई जी, और देखिए गाइस भाई साहब के पास पुलिस सेट है, इसीलिए दीदी ने फोड़ दिया है बम मेट्रो में। ये रही दीदी वो शख्स, ये रही वो शख्स जिन्होंने बम फोड़ा है। और गाइस देखिए इसने हथकड़ी से बांध दिया है, सीरियसली देखिए। हेलो हेलो पुलिस फोर्स, हेलो हेलो, आगे पीछे घेर लो। गाइस देखिए आपको एक चीज दिखाता, और गाइस इसकी चाबी थी नहीं इसलिए खुल गया। तो गाइस मिलता थोड़ी देर।